पश्चिमी चंपारण के ऐतिहासिक और दर्शनीय स्थल वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान एवं बाघ अभ्यारण्य। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के जंगलों में पाए जाने वाले जंगली स्तनधारी जैसे बाघ, स्लोथ भालू, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, अजगर, मगरमच्छ इत्यादि हैं। हिरण और मृग की कई प्रजातियां जैसे चित्तेदार हिरण, हॉग हिरण, सांभर हिरण और नीला बैल भी यहां पाए जाते हैं। रिजर्व में समृद्ध पक्षीजात विविधता है। पक्षियों की 250 से अधिक प्रजातियां यहां पाई जाती हैं। यह रिजर्व बाघों की संख्या के घनत्व के मामले में चौथे स्थान पर है। त्रिवेणी संगम तथा बावनगढ़ी। एक ओर नेपाल का त्रिवेणी गांव और दूसरी ओर चंपारण का भैंसालोटन गांव के बीच नेपाल की सीमा पर वाल्मीकि नगर से 5 किलोमीटर की दूरी पर त्रिवेणी संगम है। यहां गंडक के साथ पंच नद और सोनहा नदी का मिलन होता है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के प्रिय भक्त गज और ग्राह की लड़ाई इसी स्थल से शुरू हुई थी, जिसका अंत हाजीपुर के निकट कोनहारा घाट पर हुआ था। हरिहर क्षेत्र की भांति प्रत्येक वर्ष माघ संक्रांति को यहां मेला लगता है। भिखना ठोडी। जिले के उत्तर में गौनहा प्रखंड स्थित नरकटियागंज भिखना ठोडी रेलखंड का अंतिम स्टेशन है। भिखना ठोडी अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए चर्चित है। जाड़े के दिनों में यहां से हिमालय की हिमाच्छादित धवल चोटियां साफ दिखाई देता है। यहां के शांत एवं मनोहारी परिवेश का आनंद इंग्लैंड के राजा जॉर्ज प्रथम ने भी लिया था। ब्रिटिश कालीन पुराने बंगले के अलावे यहां ठहरने की कई जगह है। भितरवा आश्रम एवं रामपुरवा का अशोक स्तंभ। भितरहरवा गांव के एक छोटे से घर में ठहरकर महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की। उस घर को आज भितरवा आश्रम कहा जाता है। स्वतंत्रता के मूल्यों का आदर करने वालों के लिए यह जगह तीर्थ के समान है। आश्रम से कुछ ही दूरी पर रामपुरवा में सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए 2 स्तंभ हैं, जो कि शीर्ष रहित है। इन स्तंभों के ऊपर बने सिंह वाले शीर्ष को कोलकाता संग्रहालय में तथा वृषभ शीर्ष को दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखा गया है। सुमेश्वर का किला। रामनगर प्रखंड में समुद्र तल से 2,884 फीट की ऊंचाई पर सोमेश्वर की पहाड़ी की खड़ी ढलान पर बना सुमेश्वर का किला खंडहर बन चुका है। नेपाल की सीमा पर बना यह किला अब खंडहर मात्र है, लेकिन अंतपुर वासियों की पानी की जरूरतों के लिए पत्थरों को काट कर बनाया गया कुंड आज भी दर्शनीय है। किले के शीर्ष से आसपास की उपत्यकाएं एवं नेपाल घाटी और पर्वत श्रेणियों का विहंगम दृश्य दृष्टिगोचर होता है। यहाँ से हिमालय के प्रसिद्ध धौलागिरी, गोसाईनाथ और गौरी शंकर के धवल शिखरों को साफ देखा जा सकता है। वृंदावन। बेतिया से 10 किलोमीटर दूर इस स्थान पर 1937 में ऑल इंडिया गांधी सेवा संघ का वार्षिक सम्मेलन हुआ था। इसमें गांधी जी सहित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी ने हिस्सा लिया था। अपने शिक्षा संबंधी विचारों पर गांधी जी द्वारा उस समय एक स्थापित एक बेसिक स्कूल आज भी चल रहा है। सरैया मान पक्षी विहार। बेतिया से लगभग 6 किलोमीटर दूर सरैया के शांत परिवेश में एक प्राकृतिक झील बना है। यह पक्षियों की कई प्रजातियों का प्रवास स्थल भी है। झील के किनारे लगे जामुन के पेड़ों से गिरने वाले फल के कारण इसका पानी पाचक माना जाता है। यह स्थल लोगों के लिए पिकनिक स्थल एवं पक्षी विहार है। इस प्रकार पश्चिमी चंपारण जिला ऐतिहासिक और वन्य संपदा से समृद्ध होकर अपने आप में एक विशेष महत्व रखता है।